पिछले कुछ दिनों से राजस्थान का मुद्दा काफी सुर्खियों में है। राज्यसभा चुनाव के बाद सुरक्षित दिख रही राजस्थान की कांग्रेस सरकार फिर संकट में घिरती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर अपनी सरकार गिराने की कोशिशों का आरोप लगाया है। 14 जुलाई को यानी कि आज कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया के सामने आकर जानकारी दी कि सचिन पायलट और अन्य दो विधायकों को मंत्री पद से हटा दिया गया है। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। राजस्थान की जनता की ओर से, उस सेवा भाव की ओर से जो जिसे लेकर कांग्रेस की सरकार को चुना गया था, खुले मन से सोनिया जी और राहुल जी की ओर से हमने अपील की कि सारे दरवाजे सचिन पायलट जी और साथ ही कांग्रेस विधायकों के लिए खुले हैं, वापिस आइए। अगर आपका कोई मतभेद है तो कांग्रेस नेतृत्व को बताइए, वो हम बैठकर परिवार में परिवार के सदस्य के तरह उसे सुलझाएंगे। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। हमारे साथी गणेश गोगरा विधायक को राजस्थान प्रांत युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हमारे एक और साथी हेम सिंह शेखावत जी, जो एक किसान परिवार से आते हैं, हेम सिंह शेखावत जी को राजस्थान प्रदेश सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसके बाद सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं। इसके बाद अशोक गहलोत भी मीडिया के सामने आए और सुनिए उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा। हमने केस बांटा, गैंड बांटा, गेहूं बांटे, लोग खुश थे। ये लड़ाई आज भी खत्म नहीं हुई है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कब किसके लग जाए, कब किसी मृत्यु ने पता नहीं लगेगा। ये तो हमने 40,000 टेस्ट करने का जो व्यवस्था कर ली है, उसके कारण हम कॉन्फिडेंस के अंदर है। ऐसे वक्त में किसी की हिम्मत होना सरकार गिराने की, आप सोचिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है। इतने मजबूर होकर के आज कोई हमें कोई खुशी नहीं है। मजबूर होकर के हमारे तीन साथी, वो साथी मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को हटाओ, उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुरे मार जो कहावत है, उस रूप में पेश किया अपने आप को। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। आप अगर मुख्यमंत्री जब तक कोई व्यक्ति है, तब तक उसके मंत्रिमंडल के साथियों का ये कर्तव्य होता है आम जनता की भावनाओं को समझे, सरकार एकजुट रहे। और कैबिनेट में मेरे सहयोगी होते वो सब, कोई बॉस कोई नहीं होता है। इस रूप में मैंने ट्वीट किया सबको। नंबर 3, जो विधायक आए हैं जीत के, किसी ग्रुप का हो, कितने नजदीक हो, मैंने सबके काम किए, कोई भेदभाव नहीं किया। वो खुद जाने वो दिल जानता उनका, कॉलेज खोलना है, SDO ऑफिस खोलना है, सड़क बनाने, जो मांगा उन्होंने मैंने दिया बजट के अंदर। उसके बाद में भी उनको देखे इस प्रकार से, मैं समझता हूँ कि आजकल जो माहौल है, आज इस प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कांग्रेस हाईकमांड को खुशी है। पूरे प्रयास कर लिए, उसके बाद में जब देखा गया, इन्होंने तय कर लिया है कि BJP के साथ हमनोबिंग हो चुकी है, सौदे हो चुके हैं और ये नई पार्टी बनाएंगे। पहले कहते BJP में जाएंगे, लोग तैयार नहीं होते कि हम नई पार्टी बना लेंगे। तो पार्टी तोड़ना संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत वो भी लिखा हुआ है, एंटी डिफेक्शन बिल है, अगर 2/3 होते हैं तो जाके आप पार्टी तोड़ सकते हो। आपको बता दें कि राजस्थान का मामला पिछले कुछ दिनों से ही सुर्खियां बटोरता आया है। कभी लगा सचिन पायलट का पासा भारी है, तो कभी लगा कि अशोक गहलोत का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए कांग्रेस विधायकों को 25 करोड़ रुपए देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और सचिन पायलट पर भी सरकार तोड़ने के आरोप लगाए गए। मामला तोल पकड़ता देख BJP ने भी इनकम टैक्स की रेड अशोक गहलोत के करीबियों पर डलवाई। इसी दरमियान खबरें चलती रही कि किसके पास कितने विधायक हैं। अशोक गहलोत ने दावा किया कि उनके पास 106 विधायक हैं
और सभी विधायकों को होटल रूम में रखा गया। वहीं रणदीप सुरजेवाला जयपुर पहुंचे और उन्होंने प्रेस के सामने सचिन पायलट और अन्य नाराज विधायकों के लिए अपील भी की, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। उनसे कई बार वार्तालाप हुई है और कहा गया है कि खुले मन से अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान हल नहीं निकाला जा सकता। हम समेत सचिन जी के कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं। वो हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। हमारा उनके प्रति स्नेह है, हमारा उनके प्रति आदर है। वो हमारे अपने हैं और अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से अपरुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर माँ बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से मैं कह रहा हूँ, अजय माखन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार हैं। इसके बाद सचिन पायलट के खेमे से बयान आने लगे, जिसमें ये भी कहा गया कि वे बीजेपी में नहीं जाएंगे। और शाम को एक वीडियो भी सचिन पायलट के खेमे से आई जिसमें वह और कुछ विधायक दिख रहे थे। इसके चलते 14 जुलाई को अशोक गहलोत के खेमे से वीडियो जारी हुई जिसमें वे एक हॉल में विधायकों के साथ दिख रहे हैं। अब आगे ये देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति क्या मोड़ लेती है। क्या कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाएगी या फिर इस सब में बीजेपी फायदा उठाकर वहां पर सरकार बना लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।